लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, क्या किया था इन्होंने? फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी थी और फिर एक ग्राफ प्लॉट किया था. वो ग्राफ आपको एग्जैक्टली लर्न कर, मुझे भी याद नहीं है, एग्जैक्टली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा होना चाहिए, राइट? तो इन्होंने प्लॉट किया ग्राफ किसके बीच में, किसके बीच में? अटोमिक वॉल्यूम, अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक मास, अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक मास में. और ग्राफ जैसे कि मैंने कहा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और तुम्हें भी याद नहीं करना है ना, मतलब कुछ ऐसे ही था. इस तरीके से चलेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, पर बेसिक बेसिक यही रहेगा, ठीक है? अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक मास में. अब जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो कुछ पॉइंट्स दे, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके. इन्होंने कहा जो एलिमेंट सिमिलर हैं उनकी ग्राफ में भी पोजीशन एक जैसी होगी, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनकी ग्राफ में भी पोजीशन एक जैसी होगी. तो आपको चार पोजीशन लर्न करनी है, ठीक? पहली पोजीशन आ जाएगी ये पीक. भाई आप कोई भी पार्ट ले लो ग्राफ का, उसमें चार पोजीशन है ना. एक तो ये पीक वाली पोजीशन आ जाएगी, एक ये ऊपर चढ़ती हुई पोजीशन असेंडिंग, नीचे आती हुई डिसेंडिंग, और एक ये मिनिमा ट्रफ है ना. तो क्रेस्ट, ट्रफ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये चार पोजीशंस हैं. इन पर एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स रखे थे. तो सबसे पहला पीक्स, पीक्स पे क्या थे, पीक्स पे क्या थे? एल्कली मेटल्स है ना. एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, हाँ हाँ, एल्कली वर्ड बेसिक से रिलेटेड है, बताओ. एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि वो मेटल नहीं है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये एल्कली मेटल्स हैं. क्यों बोलते हैं एल्कली इनको? भाई मेटल तो है ही, एल्कली क्यों बोलते हैं? एल्कली का मतलब बेस तो होता है, बेस तो होता है. जैसे ये बेस है, क्या ये एल्कली है? आप पूछ रहे हो तो मैम नहीं होगा, आपकी शक्ल से दिख रहा है ना, क्या ये एल्कली है? नहीं है, पर बेस तो है. एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस, ऐसे बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल. कहाँ थे? पीक पर, यहाँ 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 ऐसे, ठीक. फिर आ जाता है असेंडिंग पोर्शन, ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग पोर्शन, इस पे क्या थे? बहुत बढ़िया, असेंडिंग पोर्शन के ऑलमोस्ट मिड पॉइंट में क्या थे? हैलोजन्स. क्या होते हैं हैलोजन्स? हैलोजन्स ग्रुप नंबर 17, लास्ट बट वन, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, और नीचे नया कौन सा है? टेनेसीन है ना. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनेसीन, ये सारे किस में आ गए? हैलोजन्स में. ये असेंडिंग पोर्शन पे थे, ठीक है. फिर तीसरा क्या आ गया? डिसेंडिंग पोर्शन. डिसेंडिंग पोर्शन पे कौन थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, डिसेंडिंग पोर्शन. तो डिसेंडिंग पोर्शन में थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये क्या है भाई? ये तो था ग्रुप वन, ये था ग्रुप 17, ये है ग्रुप टू, बेरिलियम वाला है ना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये अपने इसी फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ये वाटर सोल्यूबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ये तो वाटर सोल्यूबल है, इनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता वाटर सोल्यूबल, लेकिन स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है. तो ये वाटर सोल्यूबल है भी और नहीं भी, लेकिन बेसिक तो है ही. और इसी फॉर्म में कहाँ अकर करते हैं? अर्थ की क्रस्ट में, इसलिए बोल दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और फिर लास्ट पोजिशन कौन सी बनती है? ट्रफ्स. क्रेस्ट तो ये हो गया ना बेटा, है ना, मिनिमा बोलो या ट्रफ्स बोलो, डिप्रेशंस बोलो, इसमें क्या थे? अब देखो तुम आगे आगे नी आगे वाले में ना, ये मिनिमा ऐसा है पॉइंटेड, आपने अगर ग्राफ देखा हो, और बाद में ये ऐसा हो जाता है, ऐसा,
ट्रफ्स में थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो नहीं है ना, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड तक तो नहीं आ रहे, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स आ रहे हैं ना, तो बाद में आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब है, तो मेटल्स तो बहुत सारे हैं, सबको बोलेंगे क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. किसको किसको छोड़ के? डी ब्लॉक देखो तुम्हें देखेगा जिंक, कैडमियम, उसके नीचे मरकरी दिख रहा है, और उसके नीचे कॉपर नीसियम, ये चार दिख रहे हैं, चार डी सीरीज है ना, इन चारों को छोड़ दो. बाकी जितने भी डी ब्लॉक के हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट्स, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब ये क्यों नहीं है ये सब अपन बाद में बात करेंगे. एज ऑफ नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, कैंडियम, टाइटेनियम, ये सारे जो हैं ये थे ट्रफ्स पे. तो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनकी पोजीशन भी ग्राफ में क्या थी? सेम, सिमिलर, एक जैसी पोजीशन थी. दिक्कत कहाँ आई? और तुम्हें एक बात मालूम है, बाद में इन्होंने तो क्या किया था, एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट किया था, और इस ग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं है. आज भी अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही आएगा जैसा इन्होंने किया था, कोई भी मिस्टेक नहीं है. इनफैक्ट अगर आप एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर का भी ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो भी ऐसे ही आएगा, इतना एक्यूरेट है. इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक नंबर द ग्राफ विल रिमेन द सेम, देयर इज नो मिस्टेक इन द ग्राफ. स्टिल ये रिजेक्ट हो गए थे. क्यों? क्योंकि ग्राफ को इंटरप्रेट करना, उसको लर्न करना बहुत, सोचो मैं 118 एलिमेंट्स का ग्राफ तुम्हें पकड़ा दूं, परसों तक लर्न कर लो, फिर सब गायब हो जाएंगे और फिर बोलेंगे मैम का हमें समझ नहीं आ रहा, फैकल्टी चेंज करो. हाँ, तो ग्राफ को लर्न करना पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकल यूज नहीं है इसका, कि आप 118 एलिमेंट, और हो सकता है आगे और डिस्कवर होते चले जाएं, वी नेवर नो, डिस्कवर हो जाएं या न्यूक्लियर रिएक्शन से सिंथेसाइज हो जाएं, तो ये नंबर तो बढ़ता चला जाएगा. तो ग्राफ के, ग्राफ से इस चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं था. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस क्लासिफिकेशन की नहीं थी, इसलिए हमने इसको फॉलो नहीं किया. यहाँ तक क्लियर हो गया?